कारगिल शहीद राजीव पुंडीर राजकीय इंटर कॉलेज बरवाला विकासनगर देहरादून में 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रंगारंग शुभारंभ हुआ, जहां प्रधानाचार्य शैलेश कुमार की अध्यक्षता में रोहित पुंडीर मुख्य अतिथि ने शुभारंभ किया। वही कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान बरवाला और बलवीर सिंह तोमर अध्यक्ष शिक्षक अभिभाषक संघ ने भी प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि समारोह में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया, जो मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान सहित व्यापक व्यायाम शिक्षकों ने किया। रोहित पुंडीर और प्रधानाचार्य शैलेश कुमार ने कारगिल शहीद राजीव पुंडीर के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में सरस्वती वंदना स्वागत की, पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। विद्यालय के व्यायाम शिक्षक इंद्रमणि पांडे और विकास खंड खेल समन्वयक मनोज रतूड़ी ने मुख्य अतिथि और प्रधानाचार्य महोदय से रिबन कटवाकर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसके साथ ही टीम से परिचय कराया। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें हमारे पास अंडर 14, 17 और 19 बालक और बालिका दोनों वर्ग की प्रतियोगिता हो रही है। और आज हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ था और गर्ल्स के लिए हमने कल का दिन रिजर्व रखा हुआ है। आज हमारे अंडर 14, 17 और 19 बॉयज वर्ग के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, जिसमें बालक वर्ग में हमारा फाइनल मुकाबला हो चुका है, जिसमें कुल मिलाकर के 16 टीमों ने प्रतिभाग किया था और इसमें GIC रुद्रपुर ने महर्षि विद्यालय को हरा करके फाइनल जीता है।